सब खत्म हो गया। पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ, मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाए। मैंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, और अब इसे ये सब। पागल हो गई हो, क्या बोले जा रही हो? यही कि मुझे कुछ सुन लेगा तो कोई सुन ले। मेरी आजादी, मेरी खुशियों और मेरे अरमानों की कातिल है, खुदा गारत करे से। उल्टे हाथ का एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। क्यों मारेंगी? सारी जिंदगी आप नवेरा के लिए यही सब कहती आई हैं। मैं कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है आपको? इतनी परेशानियां नहीं होती उसकी वजह से मेरी जिंदगी में। आज वो ना होती ना तो मैं अकेली रह जाती। क्यों अकेली होती आप? बाबा है ना आपके साथ। मैं तो कहती हूँ कि बस करें, निकालें इसे घर से। बस कर दो, बहन है तुम्हारी, मत ऐसा कहा करो। लो जी, हो गया काम। क्या घोल के पिला दिया उसने आपको? तुम नवेरा कुछ छोड़ो, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। तुम ये क्या कर रही हो? देखो ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत लकी है, इसी की वजह से तुम्हें दावर वापस घर लेके गया है ना, वरना वो छोटे से अपार्टमेंट में ले गया था। जैसे बच्चा होगा तुम उसे देख के खुश हो जाओगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। जब आपने नवेरा को देखा था आपको प्यार हो गया था? बस बस रहने दे अम्मी, सब कहने की बातें। खबरदार, चुप रहो, चुप रहो तुम। वो तुम्हें तलाक दे देगा। कुछ नहीं करेगा। करेगा, अगर उसे इस इरादे का भी पता चल गया ना तो एक मिनट तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा, और फिर हमारे सीने पे मूंग दलती रहना। देखो हम भी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत टेंशन में हो, तुम ये नहीं चाहती, खुदा ना करे तुम भी तलाक नहीं चाहती, मैं जानती हूँ तुम्हें। लेकिन देखो बच्चा होगा ना, तुम उसे देखोगी, तुम्हें हाथ में लोगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है तुम। बस कर दे अम्मी, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैंने सारी जिंदगी आपको अनवांटेड बच्चे के लिए रोते देखा है। हम महा तुम यहाँ खड़ी होके हमारी बातें सुन रही हो? नहीं नहीं, तो मैं तो चाय का पूछ रही थी। तो चाय का पूछने के लिए बातें सुनने की क्या जरूरत है? माँ मैं बातें नहीं सुन रही थी, चुपके। वो असल में तुम कहती हो ना कि जब भी तुम बात करती हो तो मैं बीच में आ जाती हूँ, तो बस मैं तुम्हारी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ज्यादा स्टूपिड है, बहुत ज्यादा, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं इसे। हटो रास्ते से। को थो